सेम सिटी करनाल में चोरों के हौसले बुलंद है, चोर मस्त है और पुलिस पस्त है। करण विहार के नजदीक एटीएम मशीन उखाड़कर रेहड़ी में ले जा रहे तीन चोर एटीएम मशीन को चुराकर अपने साथ ले जाने में नाकामयाब हो गए। जब चोर एटीएम मशीन को लेकर भाग रहे थे तो चोरों को रास्ते में लोगों ने देखा तो चोर एटीएम मशीन रेहड़ी में छोड़कर ही भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एटीएम मशीन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें, चौकीदार की पूछताछ करने पर चोरों ने उसे भी पीट डाला। फिलहाल मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारी ने कहा कि जानकारी मिलने पर पहुंचे हैं, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाएगा और घटना को अंजाम देने वाले चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जानकारी मिली थी दुर्गा कॉलोनी फूसगढ़ भाई, एटीएम चोर है, चार लड़के थे, स्प्लेंडर बाइक थी और चोरी करके ले जा रहे थे। चोरी करके ले जा रहे थे तो क्या चोरी को चौकीदार को भी पिटा है? चौकीदार को पिटा है जी। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? चौकीदार से दरखास्त लेके मुकदमा दर्ज किया जाएगा और फुटेज वगैरह चेक करके इसकी गहनता से जांच करके। और रेडी पे ही ले जा रहे थे सर? चोरी रेडी से ले जा रहे थे सर। ये कर्ण विहार का एरिया है, 16 नंबर गली के बाहर ना, मैं अपने घर के बाहर खड़ा था 3:30 बजे, 3:34 का टाइम था सर। तीन लड़के गए इस साइड से कृपाल आश्रम के सामने से, तो मैंने सोचा कि वैसे कोई अपने काम के लिए जा रहे हैं। आगे इनको मेरा चौकीदार मिला, चौकीदार ने पूछा कि क्या लेके जा रहे हो आप। चौकीदार को इन्होंने मुंह पकड़ लिया एक जने ने और बाकी इन्होंने डंडे मारे चौकीदार को। चौकीदार बेचारा टिड्डा सीधा होता हुआ आ गया मेरे पास, कहता कि ऐसे ऐसे ये आगे यहाँ पे ये कृपाल आश्रम के पास बिल्कुल आगे तो सर ये एटीएम मशीन लेके आ रहे थे। मतलब मैं पहले परली साइड मुड़ा तो मैंने देखा कि वो परली साइड है। तो कितने चोर थे ये? ये तीन जने थे सर। मतलब एटीएम उखाड़ के ले जा रहे थे? बिल्कुल। चौकीदार को भी पीटा? हाँ जी बिल्कुल जी, उसको भी बहुत चोटें आई है बेचारे को। तो पुलिस को दे दी है जानकारी? सर पुलिस को तो 3:34 पे दे दी थी, अभी तक नहीं पुलिस यहाँ पे आई। क्या नाम है आपका? संग्राम सिंह।